नमस्ते, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे सारे मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं संजना साइमन आप लोगों के पास हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप लोग को ऐसी वाली स्टार्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग कहते हैं कि ऐसे ज़्यादा बनाया करिए वीडियो, तो ठीक है, ऐसी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक ब्लैक ड्रेस में आप लोग के साथ हूँ। देखिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है ये मेरा। दिस इज प्योर कॉटन कुर्ता विथ वेरी नैरो प्लेन पजामा पैंट। इट्स अ काइंड ऑफ पैंट एक्चुअली। और इसका गला पीछे से ऐसा है, आप देख सकते हैं बाल ऐसे हैं। और बाल मैंने आज ऐसे बनाए हैं, यहाँ से साइड से ऐसे लेके सब इस साइड में पिनअप करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन पिंस लगाई हैं मैंने, और पिंस लगा के बालों को सिक्योर किया है। साइड से बाल निकाल के इधर ले गई हूँ, ऐसे यहाँ से गिरा लिए हैं हल्के हल्के बालों को, तो एक अच्छा लुक आ रहा है। आज सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं ऑफिस में, सब कह रहे हैं कि तुम बहुत अलग लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो। तो फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ऑफिस में हूँ, आपको पता है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई एकदम से आ जाता है अचानक से, तो फिर रोकना पड़ जाता है वीडियो को। बताइएगा कैसा लग रहा है आज का मेरा लुक। आज ऑफिस में सब लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं कि आपका ये वाला लुक बहुत स्मार्ट लग रहा है। पता नहीं मुझे, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और एक चीज़ है कि मतलब मेरे बाल जो है बहुत लंबे नहीं है और बहुत घने भी नहीं है, लेकिन मेरे सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे बाल जो है वो माथा जो है ना, हेयर लाइन काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ से जो एक बाल्ड हो जाता है ना, इंसान का गंजा गंजापन होता है, आदित्य चांस का मैंने देखा है, तो वैसा नहीं है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो ईश्वर का धन्यवाद हो इस चीज़ के लिए, हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बना रही हूँ वो टॉपिक है सिग्मोइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी, क्या पेनफुल होती है। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दीदी खुल के इस बारे में बात करें, और मैं क्योंकि देखिए ये सर्जरी करा चुकी हूँ तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस पता है। शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों इतना बुलवा रहे हैं आप लोग, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं अपनी संजना बहन को, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिए अभी से, ठीक है। और अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मुझसे पूछा गया कि सिग्मोइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी जो होती है, क्या ये वाकई पेनफुल होती है। और इसी क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है क्या वो पेनफुल होता है, क्या एनेस्थीसिया पेनफुल होता है, क्या हमें दर्द होता है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है। तो बताऊँगी आपको कि सर्जरी से 20 दिन पहले हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 तरीके के टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जो कि तकरीबन 15,000 रुपये तक खर्चा आता है। उस समय मेरे टाइम पे था, और उसमें आपकी पूरी बॉडी को देखा जाता है, पूरी बॉडी का एक टेस्ट होता है, और उसके बाद डॉक्टर आप लोग को ऑपरेट करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो उसको मेडिसिन के थ्रू सही करा जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है तो आपको ऑपरेट करा जाता है। ये सब 20 दिन या 1 महीने पहले हो जाता है। सर्जरी से 2 या 3 दिन पहले तक आपको सारे पैसे जो भी होते हैं वो जमा करने होते हैं अस्पताल में, और आपको अपना जीआईडी लेटर, और जीआईडी लेटर में आपका साइकेट्रिस्ट का वो लेटर काम काम में आता है, जिसमें ये लिखा हो कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने के। तो आप मेक श्योर कि आप अपने साइकेट्रिस्ट से ये लाइन, ये लैंग्वेज जरूर लिखवाए कि जैसे मैं हूँ संजना साइमन, तो संजना साइमन इज मेंटली एंड फिजिकली फिट टू गो अंडर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो ऐसे लाइन आप जरूर लिखवाइएगा। उसके बाद में सर्जरी स्टार्ट होती है। सर्जरी स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले आपको अस्पताल में एडमिट करा जाता है, और आपको पीने के लिए एक लिक्विड दिया जाता है जो कि बहुत ही मेडिकेटेड लिक्विड होता है। उसके अंदर कुछ मेडिसिन्स मिली होती हैं जो कि बहुत ही बदबूदार होता है, बहुत गंदी बदबू आती है उसमें से, ऐसी स्मेल होती है कि आप पी नहीं पाएंगे उसको, आपको घिनसी आएगी उससे। मुझे लग रहा था जैसे कि रिन साबुन जो होती है ना,
कपड़े धोने वाला साबुन वो पानी में घोल के मुझे पिलाया जा रहा है, और उसकी 4 बॉटल्स आपको दी गई थी, यानी 4 लीटर पानी था, जो कि आपको 24 घंटे में कंप्लीट करना था, मतलब कि हर 15 मिनट के बाद में एक प्लास्टिक का छोटा वाला ग्लास भर भर के आपको पानी पीना होता है। आपको कुछ नहीं खाने को दिया जाएगा, 24 घंटे पहले से आप भूखे होंगे बिल्कुल, आपको कुछ नहीं खाने को दिया जाएगा, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये पानी पानी पीना है, ताकि आपका जितना भी अंदर बॉडी में आंतों में जितना भी गंदगी है वो सब साफ हो जाए, वो सब फ्लश आउट हो जाए, और फिर आपको धीरे जैसे आप वो पानी पीना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप ही ऐसा फील होगा जैसे कि आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने के लिए बार बार जाएंगे, और वो जो पानी होगा वो आपके आपके रेक्टम से, आपके मतलब कि कह सकते हैं पॉटी के रास्ते वो बाहर आएगा, और आपको दस्त टाइप के लगते हैं, आपको लूज मोशन टाइप का लगता है, बार बार जाते हैं, और पहले तो आपको लूज मोशन होगा, फिर धीरे 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 वो जो पानी आप पी रहे होते हैं मतलब वो आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा क्लीन कर देता है कि आपको मतलब वो पानी ही बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, और आपको मतलब इतना मतलब सुस्सू तो इतनी नहीं आएगी, यूरिन पास नहीं होगी, लेकिन आपको पॉटी के रास्ते से वो सारा पानी बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि आपकी जो बड़ी आंत है वो पूरी की पूरी साफ हो जाती है, वो जो बड़ी आंत का जो एक द्वार है या बड़ी आंत का जो एक पार्ट है वो पूरा पानी से जो होता है साफ़ हो जाता है, और वो पानी बार बार बाहर निकलता है, और शुरू शुरू में तो वो बहुत ही येलोइश कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, धीरे धीरे वो एकदम वाइट और फिर और क्लिस्टर क्लियर हो जाता है, मतलब कि आपको सुबह तक जब आप मतलब सर्जरी से पहले जो आपका लास्ट टाइम जब आप पॉटी जाते हैं उस समय आप जब देखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम क्लीन आपका पानी हो जाता है, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि अब आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हो चुकी है, सारा जो वेस्ट है वो सब फ्लश आउट हो चुका है आपकी बॉडी से। फिर आपको सर्जरी रूम में ले जाया जाएगा और आपको एक इंजेक्शन लगता है, और उस वो इंजेक्शन शायद मुझे लगता है कि प्री एनेस्थीसिया होता है ताकि आप बेहोश हो जाए और उसके बाद वो अपना वर्क पूरा करे। तो जब मैं गई थी तो मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके जैसे ही मैं गई तो मैं खूब हंस रही थी और खूब मतलब इंजॉय कर रही थी, और सर्जरी के टाइम पे मेरे साथ में मेरे सोलमेट मेरे फ्रेंड मेरे साथ में थे डॉक्टर नितिन, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, रात भर वो मेरे साथ में रहे, और कोई और नहीं था, कोरोना का टाइम था, कोई और आ भी नहीं पाया था, डॉक्टर नितिन को परमिशन थी क्योंकि उनके पास कार्ड था डॉक्टर का तो वो आ जा सकते थे, मेरी फैमिली सब बरेली में थी कोई नहीं आया था। मैंने सुबह अपनी मम्मा को फ़ोन किया, उनसे बात करते करते मैं बहुत भावुक हो गई थी, मैं रोने लग गई थी मम्मी से बात करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी थी, डॉक्टर साहब ने लिखवा लिया था कि तुम मर भी सकती हो, और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, कह रही कि ज़रूरी है क्या, तो मैंने कहा मम्मी क्या कर सकती हूँ मतलब मैं, और एज भी बढ़ी रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं क्या होंगी, तो मम्मी बहुत रोने लग गई वीडियो कॉल पे देख के मुझे, ऐसे प्यार कर रही वीडियो कॉल पे छू रही मुझे, उसे कह रही बेटा क्यों इतना दर्द तेरे नसीब में लिख दिया भगवान ने। अब मैं हंस रही थी, मतलब मुझे रोना तो बहुत आ रहा था मम्मी की बातें सुन के, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी, मैं कहती मम्मी कोई बात नहीं, जो बहुत अच्छे वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा अच्छे होते हैं ना, उनको टफ बैटल्स मिलती है, तो ईश्वर ने हमें टफ बैटल दिया क्योंकि हम बड़े योद्धा है, और ये तो छोटी मोटी बात है, मैं अभी शाम को फिर सही हो जाऊंगी, आपसे बात करूंगी। और मुझे सच में बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था अगर मैं मर भी जाऊंगी तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरा अपना फैसला है, अपनी खुशी है मेरी। और मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और मैं खूब सबसे हंस हंस के बात कर रही, मैं डॉक्टर कौशिक से कह रही कि सर प्लीज़ सर्जरी अच्छे से करना, और बातें मत करना, बीच में आप गाना वाना सुनने लग जाओ, कहीं खाना वाना खाने चले जाओ, मैंने कहा मेरी सर्जरी अच्छे से करिएगा आपको, और प्रॉमिस है ये वो। और फिर सर भी मुस्कुरा रहे, सब लोग खूब अच्छे अच्छे बात कर रहे, सब लोग कह रहे तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम बहुत ही मतलब बिंदास चिल हो, एकदम मस्ती के मूड में लग रही हो। मैंने कहा सर मैं पैदा होने वाली हूँ, मैं अपने आप को जन्म देने वाली हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं बचपन से जिस चीज़ का तरस रही थी, मतलब मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि भगवान जी मैं सुबह सो के उठूँ तो मैं संजना बन जाऊँ, मुझे इतना अपने आप से मतलब एक अपने अंदर की औरत से इतना लगाव था, मैं अपने अंदर इतना ज़्यादा इस औरत को महसूस करती थी कि मैं सोचती थी कि बस मैं रात में सो रही हूँ सुबह उठूँगी तो लड़की बन जाऊँगी, बस यही प्रार्थना मैं करती थी, और उस चीज़ को मैं देख सकती थी। अब बेशक ऑपरेशन थिएटर का माहौल अजीब सा था, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, छुरी कैंची सब सामने पड़े हुए थे औजार, और
वो सब चीज़ें लग रही थी लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं गई, मैं आराम से जाके लेट गई, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद उन्होंने मुझसे बात करते रहे कि तुम बड़ी सुंदर हो, कहाँ की रहने वाली हो, ये वो करते रहे बात। और बातों बातों में मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर पहला सवाल का जवाब ये कि एनेस्थीसिया पेनफुल होता है या नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बात करते करते कब सो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी आँख जब खुली, तो मतलब जब मैं होश में आई, वो पल बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, क्योंकि मैं होश में आ चुकी थी, मैं सेंस में आ गई थी, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पा रही थी, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, मैं जिंदा लाश बनी ऐसी लेटी हुई थी ऑपरेशन उसमें टेबल पे, और मैं जिंदा लाश बन के लेटी हुई थी, मैं हिल डुल नहीं पा रही थी, और मैं सब कुछ सुन सकती थी। डॉक्टर कह रहे थे संजना आँख खोलो, संजना आँख खोलो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आँख खोलूँ, मैं आँख खोलूँ, लेकिन मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। मैं कोशिश करती मैं अपने हाथ पर हिलाऊँ, लेकिन हिला नहीं पा रही थी। मैं जकड़ गई थी, कैद हो गई थी अपने शरीर के अंदर ही। और मैं मतलब देखो, पता है मैं जिंदा हूँ, मुझे पता है मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हो गई हूँ, लेकिन वो एनेस्थीसिया का इतना असर था या क्या था भगवान जाने। इतने 9 घंटे 8 घंटे तक आप बेहोश रहते, फिर दोबारा से आपको सेंस में लाने के लिए डॉक्टर को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मेरे इस पेट की तरफ ऐसे करके खूब, जहाँ पे ये मेरा पेट में कट है, आँत का जो पानी निकल रहा था वहाँ पे कटता, वो वहाँ पे दबा रहे थे ताकि मुझे पेन हो, मुझे दर्द हो वहाँ से, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मेरी विजाइना साइड में, जहाँ पे सब कुछ मतलब वो पैक्ड था बिल्कुल, मतलब गॉज पीस और कॉटन और रुई वगैरह सब, मतलब पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, वहाँ पे सब वो छू रहे ऐसे करके, टक टक कर रहे थे वहाँ पे भी। तो मुझे एहसास तो हो रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि दर्द की वजह से ये चिल्लाएगी तो ये इसमें सेंस आ जाएगा, दोबारा से ये जाग जाएगी। तो मैं जाग ही नहीं पा रही थी, डॉक्टर कोशिश कर रहे मुझे जगाने की, मैं जाग ही नहीं पा रही। मैं अंदर ही अंदर इतना डर रही, मैं प्रभु यीशु को प्रार्थना कर रही, मैं कह रही प्रभु यीशु जब इतनी बड़ी सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे आँख खोलने का एक मौका दे। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीवन को देखना चाहती हूँ लड़की बन के, प्लीज़ प्रभु यीशु मुझे मरने मत दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और वो बात बहुत डर लग रही थी मुझे, मैं अभी सोच रही हूँ तो मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरी मैं जिंदा हूँ, मैं डॉक्टर की आवाज़ सुन रही हूँ, बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं होश में नहीं आ पा रही हूँ। और वो मुझे हिला रहे हैं, मेरे बालों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे टक 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 मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, उठो 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 ऐसे कर रहे हैं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। और मैं फिर अंदर ही अंदर प्रेयर करने लग गई, प्रेयर करने लग गई, और अचानक से ऐसा हुआ कि मैं मतलब अंदर ही अंदर कह रही हूँ, हाँ यीशु के नाम से मैं आँख खोल रही हूँ, यीशु के नाम से मैं आँख खोल रही हूँ। अचानक से मेरी आँख खुली, और आँख खुली मैंने इधर उधर देखा, और मैं इतनी घबरा रही थी उस समय। और उन लोगों ने बोला कि तुम ठीक हो, आर यू ओके, मैंने सर हिला के कहा यस आई एम ओके। और मजे की बात ये कि मैं ऑपरेशन थिएटर में अंग्रेजी बोल रही थी। डॉक्टर उस बात ने मुझसे कह रहे कि तुम मतलब बड़ा तुम्हें अंग्रेज का भूत चढ़ा हुआ था, तुम मतलब मरने मरने को हो रही हो, और हम तुम्हें दोबारा से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है आप कह रही हैं यस आई एम ओके। और वो जब मुझे ना मेरे को बाहर मतलब स्ट्रेचर से मुझे बाहर मेरे रूम में शिफ्ट करने वाले थे, तो मैं चिल्लाने लग गई, मैं कह रही नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है। मैं सब पता डॉक्टर जो मेरे पास खड़े हुए थे, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर खड़े हुए थे, मैंने उनको पकड़ लिया था। मैं कहता था नहीं सर, मैंने कहा मैं अपने रूम में नहीं जाऊँगी, मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को भी थोड़ी देर यहीं पर रहने दीजिए। और मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था सांस लेने में, क्योंकि बहुत समय तक आपके मुँह के अंदर ऑक्सीजन का पाइप होता है, तो आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले रहे होते कुदरती। अब दोबारा से जब आप वर्क करते तो आपके लंग्स को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ना आपके लंग्स को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है, आपके लंग्स दोबारा से मतलब एक्टिव हो रहे होते हैं सांस लेने के लिए। तो वो जो कोशिश होती है, जो मशक्क़त होती है, वो बड़ी जानलेवा हो रही थी। और मेरे मतलब लंग्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था, बहुत दबाव पड़ रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब कि वो ऑक्सीजन लगा हुआ था। और जैसे वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर जब मेरा ऑक्सीजन हटाया, उन्होंने बोला कि अब आप सांस ले लो अपने आप से, तो जब मैं सांस लेने की कोशिश करी तो मेरी मेरी सांस ही नहीं आ रही मेरे को। मैं इतना मतलब मेरे मुँह से आवाज़ निकल रही, बहुत भारी आवाज़ निकल रही थी, इतनी मतलब बहुत भारी आवाज़, मैं कह रही ऐसे करके, मतलब वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही मेरे मुँह से। और मैं कह रही डॉक्टर आई विल डाई डॉक्टर प्लीज़ डोंट टेक आउट दिस, और डॉक्टर गिव मी ऑक्सीजन, आई विल डाई। मतलब इससे भी ज़्यादा भारी आवाज़, इससे भी ज़्यादा भयंकर, ऐसा लग रहा कोई भूत बोल रहा है मेरे अंदर से, इतना भै 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 आवाज़ निकल रही थी। क्योंकि ये पूरा सब सील्ड होता है, पैक्ड होता है, तो सब ऑक्सीजन वगैरह होता है, तो आपका एकदम से आप काम नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब 9 घंटे की बेहोशी के बाद आप दोबारा से मतलब सेंस में आते हैं, हर चीज़ दोबारा से स्टार्ट होती है, बॉडी का मैकेनिज्म दोबारा से स्टार्ट हो रहा होता है, आपका तो बहुत टाइम लगता है।
भैया बहुत डरावनी चीज़ थी वो तो। और फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर सर ने मुझे फिर नहीं ले गए मुझसे, मतलब अपने जो असिस्टेंट थे वहाँ पे इधर उधर ओटी टेक्नीशियंस वगैरह उनसे बोले घबरा रही है, डर रही है, थोड़ी देर यहीं पे रहने दो। और डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले थे वो मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे बहुत देर तक, मुझसे बातें करते रहे, मुझसे बोले संजना तुम्हारा लंग्स का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तुम्हारा ECG बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मॉनिटर पर नॉर्मल आ रहा है, तुम्हारा हर चीज़ नॉर्मल आ रही है बेटा, तुम्हारे लंग्स बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं और ऐसा होता है तो तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। और बस मैंने कहा कि यस एवरीथिंग इज़ फाइन बट यू प्लीज़ डोंट टेक आउट दिस ऑक्सीजन मास्क। तो उन्होंने 15 मिनट तक मुझे वहीं पे रखा, उसके बाद उन्होंने उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही मुझे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भाई मत हटाओ इसको, ऑक्सीजन नहीं घबरा रही है। और फिर मुझे ऐसे ही वो लोग लिफ्ट में लेके गए और लिफ्ट से वो मुझे मेरे रूम में लेके गए। और जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने डॉक्टर नितिन को देखा और वो बहुत खुश थे, और मैं उनको देखते ही मेरी आंखों में से अचानक से आंसू निकलने लग गए। और फिर मेरे मेरी फ्रेंड मोहिनी मेरे साथ में थी और शुभी मेरे साथ में थी, और शुभी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं मेरी बच्ची है वो, और मोहिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो दोनों मेरे साथ में थे और वो लोग मेरे को बहुत केयर करने लग गए। मुझे बार बार यहाँ से थूक सा बलगम सा निकल रहा था, कफ सा निकल रहा था, और शुभी मेरे को साफ़ कर रही थी, उसको क्लीन कर रही थी। मोहिनी मेरे मतलब कभी सर पे हाथ फेर रही, कभी मेरे हाथों को मसाज कर रही, मेरे पैरों को मसाज कर रही। और डॉक्टर नितिन तो पूरे टाइम मेरे पास बैठे रहे, मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहे, मेरे पैरों में पैर दबा रहे, पैर में मसाज कर रहे। और मैं इतनी नींद में थी, इतनी नौशिया में थी कि बस मेरे को ये ध्यान था कि मुझे मम्मा से बात करनी है। तो मैंने डॉक्टर नितिन को बस इशारों में कहा कि मतलब मम्मी को बात करा दो, और उन्होंने वीडियो कॉल करी और मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, मेरी माँ ने मुझे देखा, और बस मुझे ऐसा लगा एक नया जन्म। वो बहुत खूबसूरत पल था जब मैंने सर्जरी के बाद अपनी मम्मा को देखा, डॉक्टर नितिन को देखा, मोहिनी शुभी को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी ने, मेरी माँ पूरे दिन प्रार्थना करती रही, मेरे भाइयों ने बताया कि मम्मी ने ऑल्टर पे कैंडल लगा रखी थी और वो दिन भर बाइबल पढ़ती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। और जब मतलब मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, मैंने कॉल करा उनको कि सब कुछ ठीक हो गया है, तब जाके उन्होंने कैंडल को बुझाया, धन्यवाद दिया ईश्वर का कि सब कुछ ठीक हो गया है। और मेरे घर में मेरे भाइयों ने खाना नहीं खाया था, मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, शाम के 7 बज गए थे, मतलब सब लोग भूखे थे, सब लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं कैसी न्यूज़ आएगी, कैसी खबर आएगी। बार बार डॉक्टर नितिन को फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि संजू ठीक है, सर्जरी कैसी हुई है, और डॉक्टर नितिन बार बार यही कह रहे थे कि अभी कुछ पता नहीं है, अभी वो अंदर है। मम्मी बहुत डर रही थी कि सुबह के मतलब 8 बज गए, 8 बजे से शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, मेरा बच्चा कितना तकलीफ़ झेल रहा है। तो मम्मी बहुत परेशान थी, मेरे भाइयों ने भी खाना नहीं खाया था, भाभी वाभी सब ऐसे थे, मतलब कहने को वो बरेली में थे लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए थे। जब उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे देखा तब उन्होंने खाना खाया और एक खुशी की लहर हुई, और सब लोगों ने फिर अच्छे से खाना वाना खाया और मैं तो सो गई थी मम्मी से बात करके। मुझे इतना एनेस्थीसिया का अटैक था कि मैं सो गई थी, मुझे ध्यान नहीं है। और फिर मेरी आँख खुली रात के 2 बजे, 2 बजे जब मैं सो के उठी हूँ तो फिर मैंने मतलब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ, मैं अपने सेंस में आई तो मैंने देखा डॉक्टर नितिन भी सो रहे हैं, मोहिनी शुभी सब सो रहे हैं, और रूम बिल्कुल डार्क काला रूम हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये लोग तो दिन भर जगे थे बेचारे, तो उनको नींद आना ज़रूरी था, और मैं उठ गई थी लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रही थी, और वो रात मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरे। मुझे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, पीछे जहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है वहाँ पे बहुत पेन था, पूरी पीठ दर्द हो रही थी, और मन कर रहा था कि मैं करवट लेके लेट जाऊँ, कोई मेरी पीठ पे तेल लगा के मसाज कर दे, ब्लड सर्कुलेशन उसका सही कर दे। मेरे एक हाथ में वाइट प्लाज्मा चढ़ रहा था तो पूरा स्वेल्ड हो गया था, एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ रहा था, एनएस चढ़ रहा था, और उसमें इंजेक्शंस वगैरह डाल रखे थे पेन किलर के, और इन्फेक्शन ना हो उस चीज़ के। तो मेरे दोनों ही हाथ जो थे बिल्कुल स्वेल्ड हो गए थे, दोनों हाथों में मतलब निडल्स लगी हुई थी और ड्रिप चढ़ रही थी दोनों हाथों में, तो मेरे दोनों हाथों में ड्रिप थी। मेरे पीछे इतना बड़ा एक सुई था, इतना बड़ा वो सुई मेरे रीढ़ के हड्डी में घुसा हुआ था, और एक पाउच था यहाँ पे गिरा हुआ था जिसके अंदर इंजेक्शंस डालते थे जब बहुत दर्द होता था तो उससे नींद आ जाती थी, तो वो इंजेक्शंस वहाँ पे लगा हुआ था। पीछे मतलब टेप्स लगे हुए थे, नीचे पूरा प्राइवेट पार्ट जो था वो पूरा
पट्टी से बंधा हुआ था, पूरा गॉच पीस पट्टी से बांध रखा था, सिक्योर कर रखा था उसको, बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी। और इस साइड मेरे यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ था, जिस पाइप से सारा वेस्ट गंदा मटेरियल बाहर गिर रहा था पाइप में, और फिर एक पाइप विजाइना के अंदर डला हुआ था ताकि जो भी यूरिन थी वो उससे बाहर आ जाए। और फिर नीचे मेरे घुटनों से नीचे तक मोटे मोटे रोलर्स बंधे हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक की वजह से वो वैसे ऐसे फूल रहे थे, डाउन हो रहे थे, फूल रहे थे, डाउन हो रहे थे, तो वो मसाज दे रहे थे मेरे पैरों को। और वो बहुत दर्दनाक स्थिति थी, मैंने अपने आप को देखा और मुझे अपने ऊपर इतना तरस आ रहा था कि यार इतनी तकलीफ क्यों, मतलब इतना परेशानी क्यों दी गई है। और मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ और एक एक मिनट मेरे ऊपर ऐसा गुजर रहा था, ऐसे मतलब वो काली रात थी मेरी ज़िंदगी की, सबसे भयानक रात थी, वो टाइम ही नहीं कट रहा था। और मेरी आंखों में से ऐसे ऐसे बार बार आंसू ऐसे ऐसे गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, अपने आप को देख देख के मतलब मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा था। मैंने कहा इतनी तकलीफ़ मतलब क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ़ क्यों दी ईश्वर ने। मैं एक मतलब इतने घंटे की सर्जरी के बाद में पूरा बदन मेरा दर्द हो रहा था, थक गया था, और मैं बिल्कुल ऐसे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी दर्द हो रहा था कहीं पर कि मतलब विजाइना में दर्द हो रहा था या जहाँ पर चीरा लगा था वहाँ पर दर्द हो रहा था, वो वाला दर्द नहीं था जो कि हाथ हाथ कट जाता था, वो था एक अजीब सा दर्द था, मैं उसको अब महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा था, वो अजीब सा दर्द था। बस मैं लेटी हुई थी, मैं थक गई थी, मतलब मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, मैं कहती भगवान मैंने क्या कर लिया, ये छी मैंने क्यों करा, मतलब इतनी मैं थक गई हूँ। अब मैं चलना चाह रही थी, मैं कुछ खाना चाह रही थी, मैं इतनी कमज़ोर फील कर रही थी, मेरे को प्यास लग रही थी, मैं बार बार कह रही मुझे पानी दो मुझको, लेकिन जब तक गैस पास नहीं होती है ना पानी देते हैं ना खाना देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वो रात जैसे कटी है ना, बस मान के चली यमराज सामने खड़े हुए थे मुझे लेने के लिए और मैं उनसे लड़के बाहर निकली हूँ। मैं रात भर प्रार्थना करती रही, हर पल मैं प्रार्थना करती रही, मैं घड़ी देख रही और यीशु 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 यीशु, मैं पूरी रात यीशु को याद करती रही, मैं प्रार्थना करती रही। और अगला दिन भी बस प्रार्थनाओं में गुजर गया, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखा। और फिर अगले दिन मतलब कि जैसे मेरी 6 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, तो अगले दिन 6 बजे और उसके मॉर्निंग में मेरे को गैस पास हो गई थी और मेरे को खाना वगैरह सब मिलने लगा था, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए रोक रही हूँ यहीं पर। आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं आप सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कम से कम एक ट्रांस को इससे बड़ी सपोर्ट आप क्या ही कर पाएंगे, आप प्लीज़ इतना कर दीजिए। संजना साइमन, मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई है और आप लोगों से, आप लोग के वीडियो बनाती हूँ, कमिंग आउट कर रही हूँ आप लोग के सामने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। फिर आपसे जल्द से जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत 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 प्यार आप लोगों को, बाय।